गया, बहुत दुख है जिंदगी में। एंड ये पीछे बकरियां हैं हमारे स्वागत में। बहुत दुख है जिंदगी में, चाय भी नहीं पी पाए सोची। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तुबा एंड टुडे आई एम अप विद अ न्यू व्लॉग। अभी हो गई है मॉर्निंग, अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है एंड मैं हूँ स्टेशन पे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज ड्रेसेस को स्टिचिंग में देने के लिए। फाइनली सब काम हो चुका है, अब उसे स्टिचिंग में देना है हमें। तो हम लोग स्टेशन पे हैं, हम लोग अपने जहाँ मेरा ननिहाल है वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं ट्रेन के सफ़र में। आज बहुत दिनों बाद हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, सो आई एम एक्साइटेड। एंड ये मैं अभी ऊपर खड़ी हुई हूँ, जो ब्रिज होता है ना उस पर मैं खड़ी हुई हूँ। अभी ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आएगी तो हम लोग नीचे जाएंगे। एंड ये अनाउंस भी हो रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। सो यार चलिए चलते हैं। सब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, ये रहा घर। फ्रेंड्स अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं एंड गेट लॉक है, अभी मामा गेट खोलेंगे फिर हम लोग अंदर जाएंगे। एंड ये पीछे बकरियां हैं हमारे स्वागत में। मामा जल्दी जाइए दूध जाके लेकर आइए, हम लोग सुबह से भूखे हैं, भूखे हैं। फ्रेंड्स ऐसे चलता रहता है, सॉरी। पहुंच गए हम लोग, बन रहा है खाने में मसाला चावल। यस yes. अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मसाला चावल का रेसिपी, चलिए शेयर करते हैं। उसके बाद सारे खड़े मसाले एंड यहाँ पे बन रहा है टमाटर का सलाद। क्या डला रहा है? मसाला खाएंगे मसाला चावल, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। एंड सबसे जल्दी जो खाना बनता है ना वो है मसाला चावल, एकदम हाफ आवर में बन के तैयार हो जाता है। एंड बहुत भूख लगी हुई है, इतना जल्दी भी नहीं बनता है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में मिलती हूँ मैं आप लोगों से जब बन जाएगा तब। हम लोग कहीं भी जाएं चाय नहीं छूटनी चाहिए। अब फाइनली जाके चाय बन रहा है, अभी बज गया है 1 एंड चाय अब बन रहा है, खाना भी बन रहा है, दोनों चीज़ पता नहीं साथ में खाएंगे ऐसा लग रहा है। सो यार चाय चहर गई है, ये रही है इलायची, अब इसमें से पीर इलायची ढूंढेगी। अभी लौंग भी डाल दो। नहीं नहीं है, प्याज हरी मिर्च सलाद में डालने के लिए। का तो यहाँ से मैं मेहंदी लेके जा रही हूँ, मैं मेहंदी लगाऊंगी। ये वाली मेहंदी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी से रेड हो जाती है एंड इसे बहुत देर रखना नहीं पड़ता है। सो यार मैं ये लेके जा रही हूँ। सो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, 2 बज रहा है एंड अभी एक ट्रेन है तो हम लोग उससे चले जाएंगे, क्योंकि शाम हो जाएगी तो ठंड का टाइम है, ठंडी लगेगी। एंड अभी अच्छा खासा धूप निकला हुआ है, अभी हम लोग निकल गए हैं।
गांव में कितना शांति होते हैं ना, एकदम शांति बनाए रखो वाला शांति होता है गांव में, एंड बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। आ गए अब हम लोग स्टेशन। आंटी चलिए पहाड़ी पे चढ़ने। अभी मैं आप लोगों को पहाड़ी का रास्ता दिखाती हूँ, जिस रास्ते से हम लोग शहर के जाएंगे। हम लोग प्लेन भी जा सकते थे सीधा रोड से, बट हम लोग को ऐसे में मज़ा आता। अल्लाह अब हमें चढ़ना है। आंटी चढ़िए चढ़िए, अब मुझे चढ़ना है। अल्लाह मज़ा आती है ऐसे फ्रेंड्स, जब सबको ही होता है ना तो और मज़ा आता है। चलिए हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये हम लोग स्टेशन पे समोसा का मज़ा लेते हुए, व्यू देख रहे हैं आप लोग, एकदम मस्त व्यू है। एंड ये समोसा हम लोग खाते हुए, यहाँ पे भी मुझे अपना सेल्फी असिस्टेंट बना लिया है। मैं किधर जाऊँ, जाऊँ तो जाऊँ किधर। ये जब हम लोग घर आ गए थे ना तो ये बना था घर पे। ये है चावल को भून के ना, उसमें अनियन है एंड ग्रीन चिली को फाइन चॉप्ड करके खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे। अभी हो गई है सुबह एंड आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग आज जाएंगे सारिया देखने। अभी हो गई है सुबह तो मैं क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं ये ले रही हूँ, ये है वार्म वाटर, उसमें हनी है। ये मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है क्योंकि विंटर का टाइम है। ये हलक से नीचे उतर जाएगा एंड धीरे 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 ऐसे से मेरे फैट को कम करेगा ये। तो अभी अभी मैंने इसको लेना स्टार्ट कर दिया है ताकि मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो एंड इससे मुझे ग्लोइंग लुक मिले। हम लोग जब साड़ियाँ लेने जाएंगे ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल सुबह हो गई है, मैं करूँगी ब्रेकफास्ट एंड मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत ही मन कर रहा है। मैं मेहंदी लेकर आई थी कल, तो मैं वो मेहंदी भी लगाऊंगी एंड आप लोगों को अपना मेहंदी भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसा मेहंदी लगाया है। मैं फटाफट से इसको पी लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स हो गया था लंच का टाइम एंड मैं यहाँ पे खा रही हूँ चिकन टिक्का विथ अनियन एंड दो रोटी। यम्मी लंच बना था आज, अप्पी ने लंच बनाया था। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो हमें ये छोटा सा स्टॉल टाइप का दिखा जिसमें से हमने दो अनमोल रतन के लिए तीन तीन चार चार इयररिंग्स ले लिए। उसके बाद हम लोग चले गए अग्रवाल क्योंकि हमें साड़ीज लेनी थी। आज हो गया दूसरा दिन एंड अभी हो गई है शाम। हम लोग आए हैं साड़ियाँ लेने अग्रवाल में। अभी हम लोग साड़ियाँ देख रहे हैं, जो हमें पसंद आएगी वो हम लोग लेंगे एंड जो हमें नहीं पसंद आएगी वो हम लोग छोड़ देंगे। फिलहाल साड़ियाँ देखनी हमने स्टार्ट कर दिया, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। साड़ियाँ यहाँ से लेनी है हमें। साड़ी पहना रही थी एंड इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वो साड़ी पहनाई। ये रहा ओवरऑल पूरा लुक, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। ब्लैक साड़ी किस किस को पसंद है ये भी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। कोई लॉजिक है, लड़के कोट पैंट ब्लैक पहने तो कुछ नहीं, लड़कियां ब्लैक पहने तो वो नहीं पहन सकती शादी में। आप लोग बताइए, पहन पाओगे हमको मन है ब्लैक पहनने का, बहुत दुविधा है, बहुत दिक्कत है।
यहाँ पे हम लोग किनखाब देख रहे थे, बहुत ही प्यारे कलर्स थे एंड बहुत ही लाइट मटेरियल था इसका, बहुत ही अच्छा था। तो पिंक ही लो ना। घर आ गई थी मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही मन कर रहा था, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट मेहंदी लगाई, मैं हैवी पे नहीं गई क्योंकि ठंड है, ठंड में मेहंदी लगाने के बाद ठंडी लगती है। सो या इस वजह से मैं नहीं गई। यहाँ पे मैं टोपी लगा रही हूँ, टोपी के बिना हर मेहंदी अधूरी है। ये रहा मेरी मेहंदी का कलर, मुझे तो बहुत ही प्रिटी लगा। हेलो फ्रेंड, अभी हो चुकी है मॉर्निंग एंड मैं बैठी हुई हूँ बालकनी में। अभी मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा, मेरा गांव का सफ़र देखने में, मेरा ट्रेन का सफ़र देखने में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाती रहूँगी, आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अभी जाऊंगी, शावर लूंगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुके हैं। एंड ये देखिए मैंने जो कल मेहंदी लगाई थी, कितना अच्छा एंड कितना प्रिटी कलर आया है इसका। नाउ या मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।